इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सिर्फ जो मकसद नजर आता है वो किसी तरह इसको डिले करने का है ट्रायल का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये डिले करें और एक्सपीडिशियस ट्रायल ना करें और कोई मसल रुकावट डालें तो आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो वील मूव द कैंसिलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैंसिलेशन के बाद क्या नतीजे होंगे। देखिए जी, जो इन देखिए जैसा आपने लास्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इस बात का कि अगर ये किसी किस्म का रखना डालें स्मूथ ट्रायल में और स्पीडी ट्रायल में रुकावट डालें या एक्सपीडिशियस ट्रायल में कोई किसी किस्म की रुकावट डालें तो कैंसिलेशन उनकी मूव की जा सकती है ऐसा तो बेल की। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अगर कोई हम ये अभी तो हमने फिर भी जैसा ने आज कल का इनको डायरेक्शन दिए और कहा है कि आप अपने लॉयर्स को इंश्योर करें कि वो मौजूद हों ताकि जिरा जो हो सके। हमने इसीलिए पहले जो है वो सारे गवाहों की इन चीफ करा दिया था कि वट एवर दी एविडेंस अवेलेबल टू अस हमने इनको बता दिया है। उसके बावजूद वो इस बात पे मुयसर वो है कि जी वो जिरा नहीं कर रहे। तो लिहाजा उनका ये फेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको लंबा करना है जो कि कानून के मुताबिक भी और आइन के मुताबिक भी जो है वो परमिसेबल नहीं। सर आज फिर मुलजमान और उनके वकला की जानिब से मीडिया की मौजूदगी के ऊपर एतराज किया गया था। उसके ऊपर सर इस पे मैं थोड़ा सा कर दूंगा। मीडिया के ऊपर उन्होंने एतराज किया कि ये जो आपने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं दफा 14 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि जिसमें पब्लिक और मीडिया की एक्सक्लूजन होगी, तो फिर जब उनको मौजूद जज साहब का जो ऑर्डर है वो पढ़ाया गया उसमें वाजे तौर पर लिखा है कि ये प्रोसिक्यूशन की मर्जी है कि वो जब चाहेंगे कि कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बयान जो कि बहुत हसास नौयत का है अगर वो जेर समात होगा तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन उसमें एक्सक्लूजन ऑफ जनरल पब्लिक और इवन मीडिया के लिए कह सकती है। लेकिन चूंकि अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटीरियल या कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं है तो लिहाजा उसमें मीडिया की मौजूदगी पे हमें कोई एतराज़ नहीं। तो सर जो दोनों मुलजमान की जो बेल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है उसके ऊपर सर क्या डायरेक्शन है क्या इसमें भी मैं आपकी इजाजत से मैं इसमें यह है कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव टू अपील जो है वो एक्सेप्ट की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो इन दोनों मुलजमान की जमानत खारिज की थी वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हक है उनके डोमेन में है। लेकिन एक चीज़ का तस्करा जो है वो बड़ा ज़्यादा हुआ आज भी वो एक मौजूद जज साहब ने जो उस पर जो एक इजाफी नोट लिखा है उसको भी है आज पढ़ा गया कोर्ट के अंदर भी और मुलजमान के वकीलों ने भी पढ़ा। हालांकि उसकी आज रेलेवेंस नहीं थी लेकिन वो इजाफी नोट हमारे सर आंखों पर है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई भी कोर्ट बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही होती है तो वो उसको उस ज्यूरिस्डिक्शन में रहना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि वो जो इजाफी नोट है ठीक है वो जजमेंट का हिस्सा भी बन जाता है लेकिन उसमें पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। उसमें एक पूरी हमारी जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसको देखा गया और उसमें एक उसूल जो वजह किया गया उस इजाफी नोट में वो ये है कि कोई भी मुलजम अगर वो डकैती रेप और कत्ल के मुलजम के जुर्म में ना हो और अगर वो उम्मीदवार हो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का जनरल इलेक्शंस में तो उनको उन केसेस में बेल दे देनी चाहिए। तो ये एक ऐसे इश्यूज हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं लेकिन बहरहाल हम उसकी उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो उस इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफ़ी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया। लेकिन एक बात जो है वाजे है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को। तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तो जो ग्राउंड जिस ग्राउंड पे बेल हुई है वो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी की है कि दो डिफरेंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द लॉ। तो लेसर पनिशमेंट को कंसिडर करते हुए ये बेल लाउड की साथ ये डायरेक्शन दी कि एक्सपीडिशियस ट्रायल हो और अगर ये रखना डालें तो कैंसिलेशन मूव हो सकती है। तो वो जो पार्ट ऑफ जो डिस्कशन जो शाखावर साहब कह रहे हैं वो ठीक है, ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
तो सर क्या आप लोग इसको डिफेंड करेंगे कि जो आपकी जो मुतलका अदालत है वो मुल्जमान के मुचलके ना दे, उसको रिहाई ना दे? नहीं जी नहीं, हमारा हमारा देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको जमानत दी है, उनका हमारा ऑर्डर जो है वो मुचलका दे दिया है, तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उनके रिहाई का ऑर्डर, वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, प्रोसिक्यूशन का कोई कंसर्न नहीं है। तो शाह साहब अभी जो केस जिस सतह पे पहुंचा है और दूसरी जानब से आप कह रहे हैं कि मुसलसल डिले हो रहा है, तो आप लोगों के पास या मजाज अदालत के पास क्या ऐसे इख्तियारात हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए? दो तीन बातें हो सकती है, एक तो कॉर्सिव मैयर्स अडॉप्ट हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि अगर लॉयर नहीं आता और वो जानबूझ के ये कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि जानबूझ के इसको लिंगर ऑन करें, तो उनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज भी हो सकता है, या उनकी जगह जो है वो कोई काउंसिल, स्टेट काउंसिल और स्टेट एक्सपेंसिस पे काउंसिल एंगेज हो सकते हैं जो उनके बिहाफ पे करे। कोर्ट जो है वो इतनी बेख्तियार नहीं है कि कोई कहे कि जी मैंने नहीं करना तो नहीं हो सकता, ये इसका प्रोसेस मौजूद है कानून के मुताबिक। अभी जज साहब ने आज फिर इनको अपॉर्चुनिटी दी है, फिर भी अगर ये बात नहीं आएगी तो उसकी बुनियाद पर फिर जो लॉ जो है वो विल टेक इट्स ओन कोर्स। रास्ता इख्तियार करें। नकवी साहब ये बताइएगा कि केस जो कि अभी अंडर ट्रायल है, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है, अगर उनकी जमानत रिहाई होती है तो आप वो जमानत मंजूर के लिए मूव कर सकते हैं? क्योंकि अंडर ट्रायल तो जरूर पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो डिले करते हैं, कॉज करते हैं और एक्सपेडिशियस ट्रायल में किसी किस्म की रुकावट बनते हैं, तो यस वी हैव एवरी राइट टू। उनकी जहाँ तक जमानत का ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रांट की है, उसमें हमें कोई वो इशू नहीं है, लेकिन ये एक बुनियादी उसूल है कानून का कि अगर कोई जमानत पे रिहा हो जाए और अपनी उस कंसेशन को मिसयूज करे या प्रोसिक्यूशन को टेम्पर करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या एक्सपेडिशियस ट्रायल में अगर वो रखना डाले, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि फिर ये इस्तगासा को हक हासिल होगा कि ऐसी सूरत में वो उनकी कैंसिलेशन होगा। ठीक है, थैंक यू।